दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से नमस्कार है बिहार के नंबर वन चैनल ऑनलाइन एग्जाम चैनल। जैसे कि फ्रेंड्स जानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम चैनल जो है आपको लाइव क्लास के साथ साथ कुछ न्यूज भी देती है। दैट मीन्स आपको जो वैकेंसी आती है, जो वैकेंसी आ चुकी है और साथ साथ आपके किसी भी यूनिवर्सिटी के भी वैकेंसी के बारे में बताती है। दैट मीन्स जो एग्जाम जो होते हैं बीएससी, ठीक है, दैट मीन्स ग्रेजुएशन का जो एग्जाम होते हैं इसके बारे में और पीजी के एग्जाम के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कि मौका छात्रों की डिमांड के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया निर्णय। स्नातक में प्रवेश के लिए 21 जुलाई से 20 दिनों के लिए खुलेगा पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, 21 जुलाई से 20 दिनों के लिए आपका पोर्टल खुलेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए दौरान कितने दिन 600 रुपये होंगे जमा। पीजी में नामांकन के लिए भी खुलेगा पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया न्यूज है उन सभी विद्यार्थी के लिए जो आफ्टर ग्रेजुएशन एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये क्या है, कि इसमें क्या है, इसमें टोटल न्यूज दिया गया है, इसके हम आपको डिटेल समझाने वाले हैं। सो प्लीज अगर हमारे चैनल पर पहले बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बात करते हैं कि इंटरमीडिएट पास किए वैसे छात्र जो स्नातक में नामांकन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए उनके लिए एक अच्छी खबर है। बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से मांग को देखते हुए 21 जुलाई से अगले 20 दिनों के लिए एडमिशन पोर्टल को खोलने का निर्णय लिया जा रहा है। फिलहाल 60 कॉलेजों के लिए पोर्टल खोला जा रहा है। इसमें 42 अंगीभूत और 18 संबद्ध कॉलेज शामिल है। छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर brbu.net पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, आपका ऑफिशियल साइट है। करें कि UMIS को कोऑर्डिनेट डॉक्टर ललन झा ने बताया कि 20 दिनों के लिए पोर्टल खोला जा रहा है। इसमें छात्र छात्राएं अपने चॉइस में 5 कॉलेजों को चयन कर सकते हैं। साथ ही ऑनर्स विषय के चयन के साथ सब्सिडी आदि विषयों का चयन करना अनिवार्य होंगे। जिस कॉलेज में जिस सब्सिडी के विषय की पढ़ाई होती है उसी ऑप्शन आएगा। ऑनलाइन आवेदन के दौरान छात्रों को मैट्रिक एवं इंटर के मार्कशीट अपलोड करना है। जिन छात्रों के पास इंटर के अंक पत्र की मूल कॉपी नहीं होगी वे छात्र बोर्ड से जारी ऑनलाइन मार्क्स की कॉपी लगा सकते हैं। जन्मतिथि के लिए मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्त, आप यहां देख सकते हैं जो आपके लिए पॉइंट है, मैं बता दूं कि स्नातक के साथ तेजी में नामांकन के लिए 21 से बिहार विश्वविद्यालय एडमिशन पोर्टल को खोले जाएंगे। इसके लिए जो पूर्व गाइडलाइन जारी है उसी के तहत नामांकन के लिए अप्लाई होगी। इसकी जानकारी को ऑर्डिनेटर को ललन झा ने दी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या है। 1800 विद्यालयों का समग्र विकास ग्रांट को राशि मिलने पर संशय। या दोस्तों आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले स्कूलों के इस वित्तीय वर्ष का समग्र यह आपको नहीं जाना। दैट मीन्स इट इज नॉट कम्पल्सरी फॉर यू। आपके लिए यही कम्पल्सरी की जो 12वीं के एडमिशन है, दैट मीन्स आफ्टर 12 आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आफ्टर 12 ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए अभी भी 20 दिन का समय मिला जा रहा है। सो प्लीज गाइज ऑनलाइन एग्जाम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और लाइव क्लास रेगुलर 12 बजे और 9 बजे रात को अटेंड करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट हु विल बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एवरीबडी सपोर्ट मी। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।